हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरुजीत व्लॉग्स और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बाइक्स अंडर 80,000 रुपीज। दोस्तों, अगर आप प्लान कर रहे हैं बजट बाइक का जो अच्छी माइलेज भी देती हो, आपके डेली राइडिंग के लिए भी अच्छी हो, ऑफिस राइडिंग के लिए अच्छी हो, कॉलेज राइडिंग के लिए अच्छी हो और किसी को गिफ्ट देने में भी आपको चीप एंड बेस्ट पड़ जाए जो कि आपको अच्छा परफॉर्मेंस भी दे दे सिटी राइड पे, तो दोस्तों ये वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बिकॉज एक ओनर एक बायर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए ना, प्रो एंड कॉन्स और फीचर्स, डिटेल्स, प्राइसिंग, ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मेक श्योर इस वीडियो को आप तक जरूर देखिए। चलिए जानते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए जल्दी से ताकि ऐसे वीडियोस आपके लिए मैं टाइम टाइम बना सकूं। दोस्तों, नंबर 5 पे है होंडा शाइन BS6 मॉडल। दोस्तों, जहां होंडा का नाम आता है ना, वहां आपको परफॉर्मेंस, रिफाइंड इंजन, माइलेज एंड दोस्तों सर्विस नेटवर्क, होंडा का सर्विस नेटवर्क बहुत ज्यादा बड़ा है जिसकी वजह से राइडर्स को बहुत ज्यादा पसंद आता है। दोस्तों, इस मॉडल में आपको दो वेरिएंट मिल जाते हैं, ड्रम ब्रेक एंड डिस्क ब्रेक के, 68,000 से लेकर 73,000 के आसपास में एक्चुअल प्राइस आपको मिल जाता है। की फीचर्स अगर इसमें हाईलाइट करूं मैं इस मॉडल के, तो दोस्तों पावरफुल 125cc इंजन मिल जाता है, दोस्तों साइलेंट स्टार्ट ACG मिल जाता है आपको, इसमें इलेक्ट्रिक स्टार्ट मिल रहा है, HET BS6 इंजन मिल रहे हैं, 5 स्टेप एडजस्टेबल रेयर शॉक अब्जॉर्वर मिल रहा है, दोस्तों एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाते हैं आपको, CBS ब्रेकिंग मिल रही है, ट्यूबलेस टायर एंड अलॉय व्हील्स के, ये सब फीचर हैं आपको मिल जाते हैं। अगर इसमें प्रोज एंड कॉन्स की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है बाय करते हो आपको ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए, तो दोस्तों BS6 इंजन मिल रहा है 125cc जो कि मैंने बताया आपको, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, 5 गियर्स मिल रहे हैं आपको, माइलेज जो है 65 km/h का मिल जाता है, टॉप स्पीड जो है 90 का मिल रहा है जो कि अच्छा है, सिटिंग पोजिशन भी अच्छा है। अगर कॉन्स की बात की जाए तो डिज़ाइन को लेकर थोड़ा सा फिंगर पॉइंटिंग की जा रही है क्योंकि डिज़ाइन जो है थोड़ा ओल्ड हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है एंड इसका हाईवे परफॉर्मेंस जो है उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बाकी सिटी के लिए ये ओवरऑल बहुत अच्छा है एंड बहुत सारे राइडर्स जो हैं डेली यूज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं। दोस्तों, नंबर 4 पे है बजाज पल्सर 125cc नियो मॉडल। दोस्तों, यंगस्टर को ये मॉडल बहुत ही पसंद आ रहा है एंड अंडर 80,000 एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन भी है। दोस्तों, में दो वेरिएंट मिल जाते हैं आपको, ड्रम ब्रेक्स एंड डिस्क ब्रेक 70,000 to 75,000 के आसपास में एक्स शोरूम प्राइस में आपको ये मिल जाता है। दोस्तों, की फीचर अगर इसमें हाईलाइट करूँ तो माइलेज जो है 55 km/h के आसपास मिल जाती है और टॉप स्पीड जो है 100 km/h के आसपास भी मिल जाता है आपको, 5 स्पीड गियर मिल जाते हैं एंड दोस्तों आपको CBS ब्रेकिंग मिल जाती है इसमें, टैंक जो है 11.5 liters का है, वेट इस सेगमेंट में थोड़ा हैवी है, 140 kg के आसपास पड़ जाती है। दोस्तों, अगर की फीचर अगर इसमें हाईलाइट करूँ तो पावरफुल इंजन मिल रहा है, स्पोर्टी डिज़ाइन मिल रहा है, ऑप्शनल डिस्क ब्रेक ऑप्शन मिल रहा है एंड ट्यूबलेस एंड अलॉय व्हील भी मिल रहे हैं इसके साथ में आपको, और दोस्तों क्लिप ऑन हैंडल बार मिल जाता है और सेमी डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी मिल रहा है। दोस्तों, ये तो हो गए प्रोज एंड कॉन्स की अगर बात करें तो थोड़ा सा बाइक को हैवी कहा जा रहा है यंगस्टर के हिसाब से, अदरवाइज ये मॉडल में और कोई भी कॉन्स नहीं है यंगस्टर को, इसीलिए इसका लुक डिज़ाइन बहुत ही पसंद आ रहा है। दोस्तों, नंबर 3 पे है हीरो के ग्लैमर FI मॉडल। दोस्तों, ये मॉडल जो है बहुत पहले सेल हो रहा है और इसका यूज़र रिव्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पॉजिटिव है इस मॉडल को लेके एंड दोस्तों इस मॉडल में भी आपको दो वेरिएंट मिल जाते हैं, डिस्क एंड ड्रम, जो प्राइसिंग है इसकी 69,000 to 73,000 के एक्चुअल प्राइस में आपको ये मॉडल मिल जाते हैं। की फीचर अगर हाईलाइट करूँ तो 65 की एवरेज आराम से दे देती है आपको, 95 km/h की इसकी स्पीड जो है वो टच कर लेता है आराम से, FI फ्यूल इंजेक्टर आपको इसमें मिल जाता है, IBS ब्रेकिंग मिल जाती है, 10 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इसकी एंड दोस्तों वेट जो है इस बाइक का 122 kg के आसपास मिल जाता है एंड दोस्तों अगर कुछ इसमें की फीचर्स अगर और भी हाईलाइट करें तो ड्यूल टोन जो है बॉडी ग्राफिक मिल रहा है आपको, एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, LED टेल लैम्प मिल जाता है, अलॉय व्हील ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिल रहा है जिसको मैंने बताया कि IBS सिस्टम मिल रहा है आपको और 100mm वाइड टायर्स मिल रहा है जो कि टायर्स की जो विड्थ है वो भी अच्छी दी जा रही है इस सेगमेंट के हिसाब से, सेल्फ स्टार्ट मिल रहा है आपको। ये तो हो गए प्रोज की बात। दोस्तों, कॉन्स की अगर बात की जाए तो इसका जो हेडलाइट है उसका प्रॉपर फोकस नहीं है, ऐसा यूज़र रिव्यू है, इसके अलावा कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो राइडर्स को पसंद नहीं आ रही, इसीलिए डिजर्व कर रहा है 3rd नंबर। दोस्तों, नंबर 2 पे टोटली डिजर्व करता है बजाज पल्सर 125cc स्प्लिट सीट मॉडल। दोस्तों, ये राइडर्स को भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, जब से ये लॉन्च हुआ है ना तब से उसका सेल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसका जो प्राइसिंग आ रहा है वो है 79,000 एक्स शोरूम प्राइस एंड दोस्तों अगर इसमें की फीचर्स अगर हाईलाइट करूँ तो 55
KMPL के आसपास में आपको एवरेज दे देती है। एंड दोस्तों 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो टच कर लेती है। 5 स्पीड गियर मिल जाता है, CBS ब्रेकिंग मिल रहा है, 11.5 लीटर्स का आपको इसमें फ्यूल टैंक मिल जाता है, 142 केजीज की ये बाइक है दोस्तों। एंड दोस्तों पावरफुल 120cc इंजन, DTSI इंजन मिल जाता है, और आपको अलावेल्स, ट्यूबलेस टायर्स, एनालॉग एंड डिजिटल कंसोल मिल जाता है, मेंटेनेंस फ्री बैटरी मिल रही है, LED टेल लाइट है, इलेक्ट्रिक स्टार्ट है, स्प्लिट सीट ऑप्शन है जो कि बहुत ही अच्छा लुक में लग रहा है। एंड दोस्तों इस सेगमेंट में हैवी वेट जो है इसका बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बाकी जो बाइक्स हैं वो 100 टू 125 तक जाती है, ये जो है 140 केजी के आसपास की बाइक है, तो हैवी भी लुक दे रही है। एंड दोस्तों ये तो हो गई प्रोज की बात, एंड कॉन्स की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम जो देखा जा रहा है ना वो सर्विस साइड में फिंगर पॉइंटिंग ज़्यादा है, जिसकी सर्विस जो है बजाज की उस पर फिंगर पॉइंटिंग है, अदरवाइज़ ये मॉडल जो है परफेक्ट है, सेकंड नंबर टोटली डिजर्व करता है। दोस्तों नंबर वन को टोटली डिजर्व करता है होंडा शाइन का SP मॉडल। दोस्तों ये मॉडल जो है अंडर 80,000 एक बेस्ट ऑप्शन कहा जाता है। इसका ग्राफिक लुक डिज़ाइन जो है वो राइडर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। दोस्तों इसमें भी आपको दो वेरिएंट मिल जाते हैं, ड्रम एंड डिस्क। दोस्तों 74,000 टू 78,000 के एक्सशोरूम प्राइस में आपको ये मॉडल मिल जाता है। इसकी जो माइलेज है 64 KMPL के मिल जाती है, 95 की स्पीड तक ये टच कर लेता है, एंड 5 स्पीड गियर मिल जाता है, CBS ब्रेकिंग मिल रही है, 11 लीटर्स का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल रहा है, 118 किलो की ये बाइक है दोस्तों। एंड दोस्तों इसमें अगर की फीचर्स थोड़ा सा हाईलाइट करें तो मस्कुलर टैंक लेआउट मिल जाता है, LED टेल लैंप और आपको हेडलैम्प भी मिल रहा है दोस्तों, स्पोर्टी अलॉयबल्स मिल रहे हैं, ट्यूबलेस टायर मिल रहा है, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है दोस्तों, इंजन सेल्फ स्टार्ट मिल रहा है, CBS ब्रेकिंग मिल रही है, एंड दोस्तों इसमें साइलेंट इंजन साइलेंट स्टार्ट जो है ACG के थ्रू वो भी मिल रहा है। तो ये सारे फीचर्स के साथ में दोस्तों आपको 6 ईयर गारंटी भी दिया जा रहा है। इसका रिलायबल इंजन जो है होंडा का वो राइडर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है कंपेयर टू अदर जो इसके होंडा के मॉडल थे, जो शाइन के मॉडल थे, इससे इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है थोड़ी सी अच्छी भी लग रही है। बट थोड़ा सा इसमें कॉन्स भी दिया हुआ है दोस्तों, इसमें जो है थोड़ा सा फीचर जो है अगेन थोड़ा सा कम किया हुआ है, एंड स्लाइटली जो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है उस पर थोड़ा फिंगर पॉइंटिंग की जा रही है, अदरवाइज ये मॉडल टॉप को टोटली डिजर्व कर रहा है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको टॉप 5 लिस्ट जो अंडर 80,000 है ये पसंद आई होगी। एंड दोस्तों क्या है आपका सजेशन, आपको क्या लगता है वो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड दोस्तों मैं एक चीज़ जरूर क्लियर करना चाहूँगा कि दोस्तों वैसे तो मैक्सिमम बाइक जो होती हैं वो अच्छी ही होती हैं, बट हाँ हर कोई टॉप नहीं कर सकता दोस्तों, हर किसी को टॉप में हम नहीं सेट कर सकते। टॉप पे होने के लिए कुछ की फीचर्स होने चाहिए, तो दोस्तों ये सारे फीचर्स जो हैं इन 5 मॉडल्स में मुझे लग रहे थे, ये मेरे हिसाब से ये टॉप 5 जो मॉडल्स हैं वो एक राइडर्स की नीड जो है वो फुलफिल करते हैं, पॉकेट फ्रेंडली भी होते हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छा दे देते हैं, और दोस्तों लो मेंटेनेंस भी होते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ वीडियो को एंड कर रहा हूँ। अगर आपका कोई डाउट एंड क्वेरी है या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन का भरपूर उपयोग करिए, एंड ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और देखते रहिए गुरुजीत व्लॉग, ऐसी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए आती रहेंगी। बाय।